एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित तेलीपुरा माफी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 2300 वोटरों द्वारा मोहम्मद सलीम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 402 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 67 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 33 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 32 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 190 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी की टंकी, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान मोहम्मद सलीम, ग्राम तेलीपुरा माफी विकास खंड जोया, जिला अमरोहा से। हमारे गाँव में आज तक जो भी काम हुए हैं, जो भी निधि गाँव में आई है, मैंने सब उपयोग से काम किया है और खरंजे किए हैं। जहाँ पर आज तक किसी ने काम नहीं किया था, वहाँ मैंने काम किया है। वहाँ लोगों को बहुत परेशानी थी निकलने की, आज वहाँ लोग ठीक ठाक समझ सही निकल रहे हैं। और आरसीसी टाइल्स बिछाई गई है, नल ठीक कराए गए हैं और अब इस समय भी काम चल रहा है, झाड़ू डल रहा है गाँव ग्राम पंचायत में। लेकिन गाँव में सोलर लाइट भी लगी है, लगभग 32 सोलर लाइट गांव में लगी हैं और 60-62 स्ट्रीट लाइट लगी हैं। इससे पहले गांव में अंधेरा ही अंधेरा रहता था, लेकिन इस समय थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही परेशानी वाली बात है। इसलिए यहां पर कम से कम 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है गांव में। और आने वाले समय में अल्लाह ने चाहा तो सारे गाँव में रोशनी होगी, सभी सड़कों पर टाइल्स और आरसीसी होगी। लेकिन सारी समस्या ये है कि कोई भी विधायक निधि, सांसद निधि, ब्लॉक प्रमुख निधि या जिला पंचायत सदस्य निधि से कोई भी गांव में कार्य नहीं हुआ है। इसलिए ग्राम प्रधान की निधि काफ़ी नहीं पड़ रही है गांव के लिए। और गांव में सबसे समस्या है पानी की निकास की। पानी के निकास के लिए हमें नाले की बहुत आवश्यकता है। कम से कम 400 मीटर का नाला हमारे गाँव के लिए चाहिए ताकि गाँव की गंदगी दूर हो सके पानी की। और पेयजल व्यवस्था के लिए हैंडपम्प के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन हैंडपम्प के लिए भी कम से कम 4-5 नल से भी ज़्यादा 10 नल के आसपास नलों की आवश्यकता है गांव में, जो कि हमें मिलने चाहिए। लेकिन अभी तक कोई नल नहीं मिला है। जब से मैं प्रधान हुआ हूँ ना तो कोई नल मिला है, ना कोई आरसीसी सड़क आई है, ना ही कोई खरंजा हुआ है किसी भी निधि से। बस जो भी निधि है ग्राम प्रधान की निधि है, इसके अलावा कोई निधि गाँव में काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी निधि से, विधायक हो, सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो या और इधर उधर की जो भी निधि होती है, मंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो, किसी की निधि काम नहीं कर रही है। ये होनी चाहिए कि गांव में काम हो, विकास हो, लेकिन इस तरह की कोई निधि गाँव में नहीं है। अकेला प्रधान सारे गाँव की समस्या को हल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारी निधि काम करें, कम से कम एक एक बार तो काम कर लें, जिससे काम गाँव का विकास हो सके। और गांव में एक पानी की टंकी की भी आ सकता है। और स्कूल की हालत इतनी ख़राब है, बेहद ख़राब है, जिससे बच्चों की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार ये देखे कि गांव का स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसकी भी बिल्डिंग बननी चाहिए। और गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो भी बेकार हो चुका है। अभी बना था, पता नहीं कैसे ठेकेदार ने गलत बना दिया, वो सही नहीं है। और बिहार पंचायत जलालपुर है, उसमें सबसे कम काम हुआ है गांव में। और बाकी निधियों से बाहर वालों से जो केंद्र सरकार वगैरह था, किसी की निधि कुछ नहीं है। लेकिन 190 शौचालय बना दिए गए हैं गांव में अब तक, जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं लगभग। और ये रास्ता पहले बहुत काफ़ी जर्जर था, ये इसमें लोगों को निकलने बहुत परेशानी होती। हमारे प्रधान सलीम अहमद साहब ने यह जब से प्रधान बने हुए बहुत जो है बढ़िया रास्ता बनवा दिया। ये कम से कम 4 फीट भराव इसके अंदर डाला हुआ है।
मेरा नाम प्रियंका सिंह है, प्राथमिक विद्यालय तेलीपुरा माफी ब्लॉक जोया जनपद अमरोहा। मेरे विद्यालय में 62 छात्र नामांकित है और इस विद्यालय भवन में एकमात्र कमरा है जो कि काफ़ी जर्जर हालत में है और हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। और विद्यालय मेन रोड पे बिल्कुल स्थित है जो कि ट्रैफिक, हम क्लासेस बाहर लगाते हैं तो ट्रैफिक से हमारा कंसंट्रेट करने में बच्चों का काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने अपनी इस समस्या का समय समय पर अधिकारियों को भी सूचित कराया है लेकिन जो है सब आश्वासन दिलाकर चले जाते हैं लेकिन अभी काम कोई नहीं करता। अब वास्तव में तो समस्या का हमें और बच्चों को ही सामना करना पड़ता है। छात्र संख्या यहाँ पे बढ़ सकती है लेकिन हम संपर्क करने जाते हैं डोर टू डोर तो अभिभावकों की भी मेन प्रॉब्लम यही रहती है, हमसे पूछते हैं कि इतने बच्चों को बैठाओगे कहाँ पे आप, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता बताने के लिए कि हम उन्हें क्या जवाब दें हमें। लेकिन हम इस सरकार के वो हैं, हमें अधिकारियों के उसमें हमें काम करना पड़ता है। हमें तो सब यही कहते हैं कि तुम्हें तो जो भी संसाधन है इन्हीं संसाधनों में रह के बढ़िया से बढ़िया करना है।